लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 56 सॉरी 56 में फर्स्ट नंबर का पॉइंट किया था, राइट? फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हो गए थे, हाँ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। देखिए हमारी मेथड कौन सी चल रही है, हमारी मेथड चल रही है सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, राइट? सब्स्टिट्यूशन, देन नेक्स्ट मेथड हमारी मेथड ऑफ एलिमिनेशन, और ये मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सम नंबर 3 देखिए, चलिए यानी क्वेश्चन नंबर 56 में थर्ड नंबर प्रॉब्लम सम्स चल रहे हैं हमारे। देखिए पढ़िए उसमें, यस स्कोर 40 मार्क्स इन द टेस्ट। टेस्ट में यस के कितने मार्क्स आ रहे हैं? 40 मार्क्स। बहुत ही अच्छा समय ध्यान से देखना, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। अगर उसका राइट आंसर है तो उसके लिए उसको 3 मार्क्स मिले, एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर एक रॉन्ग आंसर के लिए उसका 1 मार्क्स चला जाएगा। देखिए जनरली जो भारतीय एग्जाम्स होती है, आपको ये बताओ JEE, फिर नीट, ये सब जो एग्जाम्स होती है, फिर ये BBA एंट्रेंस टेस्ट, फिर MBA एंट्रेंस टेस्ट, ये सभी में नेगेटिव मार्किंग सिस्टम होती है। नेगेटिव मार्किंग सिस्टम में क्या होता है कि आपके जितने रॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसके मार्क्स भी कट होते हैं, राइट? दैट मीन्स उसको लैब पे छोड़ दीजिए चलेगा, बट अगर आपने अटेंड किया और वो रॉन्ग है तो उसका मार्क्स है। तो यहाँ पे भी वही है कि जो राइट क्वेश्चन राइट आंसर है ना उसके 3 मार्क्स मिलते हैं, बट अगर रॉन्ग आंसर है तो 1 मार्क कट हो जाता है, राइट? तो टोटल मार्क्स यस को 40 मार्क्स मिलते हैं, राइट? नाउ नेक्स्ट, देन है 4 मार्क्स, 4 मार्क्स बीन अवॉइडेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फ्रॉम ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। अगर उसको 4 मार्क्स राइट आंसर के लिए मिल गए और 2 मार्क्स रॉन्ग आंसर के लिए कट हो गए तो वो 50 मार्क्स स्कोर करेगा, ऐसा होता है। हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन टेस्ट, टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, तो हम एज्यूम करेंगे लाइक नंबर ऑफ राइट आंसर्स, राइट, दैट इज एक्स, एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स इक्वल्स टू वाई। देन नंबर ऑफ राइट आंसर equals to x and let number of wrong answer equals to 1। अब समझिए पहले उन्होंने ऐसा बताया कि उसका 40 स्कोर हो रहा है, 3 मार्क्स फॉर राइट आंसर, यानी x राइट आंसर है, राइट? अब इसमें हर एक के कितने मार्क्स मिलते हैं? 3 मार्क्स, सो टोटल होंगे 3x मार्क्स। दूसरा ऐसा बता रहे हैं कि रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स लूज होता है, तो 1 मार्क्स लूज होता है तो 1 बाय उसमें से लेस होगा, 1 आगे लिखते नहीं लिखते चलता है, ये राइट आंसर के मार्क्स में से रॉन्ग आंसर के मार्क्स लेस होंगे और उसको 40 मार्क्स मिल रहे हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। राइट आंसर के 3 मार्क्स, 3x मार्क्स, क्योंकि नंबर ऑफ आंसर्स x है राइट आंसर्स, और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स y है, राइट? सो 3x - y इक्वल्स टू 40। Then next, अगर उसको राइट आंसर के 4 मार्क्स मिलते हैं तो 4x, और रॉन्ग आंसर के 2 मार्क्स कट होते हैं तो -2y, टोटल उसको 50 मार्क्स मिलते हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन करेंगे, या तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपको जो भी मेथड करनी है इसमें कर सकते हो। ओके, क्लियर हो रहा है? सो ये क्वेश्चन नंबर 56 का थर्ड नंबर और 56 का फोर्थ नंबर, उसके लिए मुझे जगह ज्यादा चाहिए। चलिए देखते हैं 56 नंबर 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना इसमें, पढ़िए ध्यान से। प्लेस ए एंड बी, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। एक हाईवे पे प्लेस ए और बी दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। वन का स्टार्ट फ्रॉम ए एंड द अदर का बी फ्रॉम बी एट सेम टाइम। एक कार है जो ए प्लेस पे खड़ी है और एक कार है जो बी प्लेस पे खड़ी है, दोनों एक साथ में ही जर्नी स्टार्ट करते हैं। इफ द यानी ट्रैवल स्टार्ट करते हैं, इफ द कार ट्रैवल्स इन द सेम डायरेक्शन
एट डिफरेंट स्पीड, दोनों सेम डायरेक्शन में ही जा रहे हैं बट दोनों की स्पीड डिफरेंट है. देन नेक्स्ट दे मीट इन 5 आवर्स राइट, और वो दोनों एक दूसरे को 5 आवर्स में एक साथ में मिल जाते हैं. इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने ट्रैवल करते हैं दे मीट इन 1 आवर. देखिए सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो 5 आवर्स लगते हैं बट ऑपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो दोनों को मिलने के लिए 1 आवर लगता है. देन नेक्स्ट व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार्स, अज्यूम करते हैं लाइक द स्पीड ऑफ वन कार इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर पर आवर. देन लाइक द स्पीड ऑफ अदर कार y किलोमीटर पर आवर, राइट, इस तरह से है. अब इसमें पढ़ते ध्यान से, ए बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे. देखिए चलिए भी एक ये हाईवे है, यहां पे प्लेस ए, ध्यान से देखना, यहां पे प्लेस ए और यहां पे प्लेस बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है. ये प्लेस ए, ये प्लेस बी, राइट. अब समझिए यहां से वन कार निकलती है और ये अदर, इसने ट्रैवल करना स्टार्ट किया और इसने भी ट्रैवल करना स्टार्ट किया. मानिए आफ्टर 5 आवर्स ये दोनों यहां पे सी पॉइंट पे मिलते हैं. यहां पर उन्होंने सी नहीं दिया है बट मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने जो कंडीशन दी है वो समझिए. देखिए कार वन कार ए प्लेस पे है और अदर कार बी प्लेस पे, दोनों के बीच का डिफरेंस 100 किलोमीटर है. अब यहां से वन कार ट्रैवल करना स्टार्ट करती है और अदर यहां से, आफ्टर 5 आवर्स दे मीट ईच अदर एट पॉइंट सी, यानी 5 आवर्स के बाद ये दोनों एक दूसरे को सी पॉइंट पे मिलते हैं. इतना हमें दिया हुआ, एक बात मेरे ध्यान से सुनिए, आप स्पीड की फॉर्मूला क्या है आपको, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. बट अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए ना तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, राइट, वही फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं. ध्यान से देखिए डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. भाई इसी के ऊपर से मैं इक्वेशन बनाना है इसीलिए बता रहा हूं. ये पहले कंडीशन तो पूरी समझ में आ गई ना, आपका 5 आवर्स ये दोनों एक दूसरे को यहां पे इकट्ठा होते हैं मीट इसी तक. ओके डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. अब डिस्टेंस ट्रैवल बाय वन कार इक्वल्स टू उसकी स्पीड है x और उसको टाइम लगा 5 आवर्स यानी 5x, कितना डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल किया 5x. देन नेक्स्ट डिस्टेंस ट्रैवल बाय अदर कार इक्वल्स टू y इंटू 5 बिकॉज उसकी स्पीड है 1 और उसको भी 5 आवर्स लगते हैं. भाई आ रहा है समझ में, 5x एंड 5 ये दोनों की स्पीड हमने फाइंड कर दी, राइट, सॉरी दोनों का डिस्टेंस फाइंड कर दिया. इतने तक समझ में आया, फिर से ध्यान से समझ लीजिए, ए और बी दोनों प्लेस के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर. यहां पे एक कार खड़ी है प्लेस ए पे, दूसरी प्लेस बी पे है, दोनों ने ट्रैवल करना स्टार्ट किया. They meet each other after 5 hours at point C. उन्होंने नहीं दिया, मैंने assume किया है कि वो C point पे एक दूसरे को मिलते हैं. और ये C point पे मिलते हैं, तो ध्यान से समझिए. Distance की formula है speed into time. उनकी speed है car, one car की speed है x और other की क्या है y. दोनों का time लगता है 5 hours, यानी 5x and 5. ध्यान से सुनिए, ये दोनों distance है. यानी ये इतना A से C का distance जो हुआ वो 5x और B से C का distance 5. मेरे पास ध्यान से सुनिए, ए से सी के डिस्टेंस में से ए से बी का सॉरी बी से सी का डिस्टेंस लेस करूंगा तो ये भी रहेगा ना, ऐसा बोल रहा हूं मैं. ए सी
माइनस बी सी इक्वल्स टू ए बी रहेगा कि नहीं, ए सी में से बी सी लेस करूंगा तो ए बी रहेगा, वही देखिए ए सी यानी ये डिस्टेंस 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 100, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है 100, भाई पूरे ए से सी के डिस्टेंस में से बी से सी का डिस्टेंस लेस किया, बाकी रहा वो ए बी का डिस्टेंस। अब इनमें से 5 कॉमन, x माइनस y इक्वल्स टू 100, और 5 मल्टीप्लिकेशन में ऑपोजिट साइड डिवाइडेशन 25, सो x माइनस y इक्वल्स टू 20, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। आया समझ में इस तरह से? अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है वो समझिए। दूसरा उन्होंने ऐसा बताया, फिर से आप देखिए, इट इज प्लेस ए, इट इज प्लेस बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर, इट इज प्लेस ए बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर। अब ये जो वन का और ये अदर का, ये यहां से निकल रही है, यहां से दोनों एक दूसरे को आफ्टर वन आवर यहां पे मिलते हैं। तो एक बात तो सिंपल है, इसमें ये सी पॉइंट पे मिलते हैं, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि दोनों यहां पे मिलते हैं आफ्टर वन, तो इसमें भी सेम ही सोचना है कि भाई डिस्टेंस ट्रैवल बाय वन का इक्वल्स टू एक्स इंटू वन दैट इज एक्स, एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय अदर का वाई इंटू वन दैट इज वाई। अब दोनों का टोटल मिला के, यानी ये डिस्टेंस जितना उसने ट्रैवल किया और इसने ट्रैवल किया, दोनों का मिला के 100 किलोमीटर होगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। सिंपल है ना, ये यहां से चल रहा है बी यहां से, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों का डिस्टेंस टोटल कितना होगा 100, ये x होगा, ये y, दोनों मिला के कितना हो जाएगा, यहां पे सेम डायरेक्शन में था इसलिए लेस करना पड़ा, यहां पे क्या करना होगा एड। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता ऐसे भी बता देता हूं, देखिए ये ए से सी और ए से बी से सी दोनों का टोटल मिला के ए बी यानी एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वेशन नंबर 2। और फिर मेथड ऑफ एलिमिनेशन से या तो कोई भी मेथड से आप कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जोड़ी करनी है, क्लियर? इस तरह से आपको करना है, इसमें दोनों इक्वेशन बहुत अच्छी तरह से समझते हैं उसी तरह से वर्क होगा। ओके चलिए देखते हैं इसके बाद का सब, ये इंपॉर्टेंट सम बोलना नहीं है इसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सम नंबर 5 उसे, ये भी अच्छा सा है ना, बोलना नहीं है वैसा ही है। देखिए द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, रेक्टेंगल का एरिया कितना रिड्यूस हो गया 9 स्क्वायर यूनिट्स, इफ इट इज इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स एंड इफ ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, डायमेंशन यानी लेंथ एंड ब्रेथ ये दोनों फाइंड करने हैं। तो देखिए एज्यूम करते हैं लेंथ, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू एक्स यूनिट, लेंथ लेंथ द लेंथ तो हो गई, अब क्या एज्यूम करना है भाई ब्रेथ, इक्वल्स टू वाई यूनिट। ओके अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल,
into y, because length into breadth, n into b, x into y, xy, union square. ओके ये स्क्वायर में जो भी लिखेंगे वो चलेगा. ये ओरिजिनल एरिया इसका हो गया, लेंथ ऑफ ब्रेथ मिला. अब ध्यान से पढ़ना, इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5. देखिए ना, लेंथ कितनी है, x रिड्यूस बाय 5 यानी x माइनस 5, एंड लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 y प्लस 3. ब्रेथ को कितनी इंक्रीज करनी है, 3. दोनों का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, ये न्यू एरिया, ये ओरिजिनल एरिया एक्स वाई लेंथ इनटू ब्रेथ. पढ़िए ध्यान से, फर्स्ट लाइन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट. अगर ऐसा करते हैं तो ये जो नया एरिया है वो ओरिजिनल से 9 यूनिट लेस है, कम है, तो इसमें 9 ऐड कर देंगे और बीच में इक्वल टू की साइन जो कम है उसमें ऐड करना है. फिर से लेंथ इनटू ब्रेथ वही होगा, ये जो न्यू एरिया यानी लेंथ में से 5 यूनिट लेस करेंगे, ब्रेथ में 3 यूनिट इंक्रीज करेंगे, तो जो एरिया मिलेगा वो ओरिजिनल एरिया से 9 यूनिट कम होगा, तो यहां पे 9 ऐड कर देंगे. चलिए ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x पूरा दूसरा ब्रैकेट, पता है ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन तो करो, -y पूरा दूसरा ब्रैकेट प्लस 9 इक्वल्स टू x का. ध्यान से सुनना, इसमें आप डायरेक्टली x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -y को वो डायरेक्ट करोगे तो भी चलेगा. चलिए x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, xy प्लस 3x, और -y को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -5y माइनस 15 प्लस 9 इक्वल्स टू xy प्लस xy ऑपोजिट साइड माइनस यानी xy xy 5. नाउ 3x माइनस 5 माइनस प्लस माइनस 15 माइनस 9 6 बी कॉमन के साइड माइनस इक्वल्स टू 0 माइनस 6 ऑपोजिट साइड प्लस 6. That is equation number one. बोलिए आया समझ में? देखिए ये जो न्यू एरिया है वो ओरिजिनल एरिया से 9 यूनिट कम है, यानी यहाँ पे 9 ऐड करना है. अब दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन, पहले x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस में भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस x का ऑपोजिट साइड माइनस, यानी यहाँ से कट कर दिया, x टाइम कम कर दिया, 3x माइनस 5 माइनस प्लस माइनस 15 माइनस 9 6 बी कॉमन के साथ माइनस माइनस 6 ऑपोजिट साइड प्लस 6. Here, the next thing here, we increase the length by 3 units. भाई ओरिजिनल से ये 67 इंक्रीज होगा तो ये कम होगा, यहाँ पे 67 ऐड कर दे. देखो अगर लेंथ में हम 3 यूनिट्स ऐड करते हैं, ब्रेथ में 2 यूनिट्स ऐड करते हैं, तो ये जो एरिया मिल रहा है लेंथ इनटू ब्रेथ वो ओरिजिनल से 67 ज्यादा, ये ज्यादा यानी ये कम, तो यहाँ पे 67 ऐड करते हैं. नाउ x को ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, xy plus 67 x into y xy plus 2x plus 3y, 3 2's are 6. देखिए plus xy दो, ये minus opposite side रहेगा, in fact 2x plus 3y plus 6 opposite side minus 6 16, that is equation number. आया समझ में? So इस तरह से आप method of elimination या कोई भी method कर सकते हैं. ओके चलिए ये तो कंप्लीट हो गया. अब देखते हैं सम नंबर 57. चलिए इवन 57 57 नंबर के सामने ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सम. देखिए यहां से 2 बाय एक्स प्लस 3 बाय वाई इक्वल्स टू 13, then 5x minus 4 by y equals to minus 12. Solve the pair of equation. अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए अब ये मेथड कब करनी है वो, पहले तो इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद करनी है मेथड. तो पहले आप क्या करके मेरी बात ध्यान सुनना, ये कब करना है जब डिनोमिनेटर में x और y दिया हुआ है. देखिए अब तक ऐसा था ना,
2x plus 3y वैसे देते थे, पर अब कैसा दिया हुआ है? उन्होंने डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, और याद रखना जब भी डिनोमिनेटर में दिया हुआ है तो आप इस तरह से अज्यूम करोगे लेट 1 upon x equals to a and 1 upon b equals sorry 1 upon y equals to b. समझ रहे हैं आंसर? आपको ऑलवेज 1 upon के लिए ही अज्यूम करना है. तो देखिए अगर ये 2 नहीं है तो 1 upon x के लिए यानी 2 as it is 1 upon x का ये यानी 2 plus 3 as it is 1 upon y का b equals to the del, that is equation number 1. आपको ऐसा नहीं पता चला, कैसे पता? सिंपल याद रखिए भाई, 2 नहीं है तो 1 upon x का a होगा और ये 2 as it is लग गई, that is 2a. 3 as it is 1 upon y का b जो हमने अज्यूम किया है वो, so 3b. नहीं तो ऐसा याद रखिए नहीं यार, 2 by x है तो 2a, 3 by y है तो 3b. वैसे यहाँ पे देखिए 5 by x है यानी 5a minus 4 by y यानी 4b equals to minus 12, that is equation number. अब आप कोई भी मेथड कर सकते हो, मैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन कर रहा हूँ. देखिए मैं y b को इक्वल कर रहा हूँ, या तो a के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है या तो b के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है. मैं b के कोएफिशिएंट को इक्वल कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 3. 4 से पूरे इक्वेशन 1 को और 3 से पूरे इक्वेशन 2 को. चलिए मैं मल्टीप्लाई करता हूं इसमें. सबसे पहले तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8a plus 4 3 12b and 13 4 52, that is equation number 3. अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15a minus 3 4 12b equals to 12 3 36 minus 36, that is equation number 4. अरे एक मिनट रुकिए, यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद से. ये 12 नहीं है, ओनली 2 माइनस 2. यहां से क्या ये ओनली माइनस 2, सो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 6, बट माइनस 6. फिर से बोल रहा हूं, करेक्शन किया है मैंने, माइनस 12 की जगह पे आप भी करेक्शन कर देना, माइनस 12 की जगह पे क्या लिख देना है, माइनस 2. तो यहां पे लिखिए माइनस 2. ओके सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, देन 3 4 12 एंड 3 2 6 माइनस 6. अब हमने जिसको इक्वल किया, देखिए हमने बी को इक्वल किया है, तो जिसको भी इक्वल किया अगर उसकी साइन डिफरेंट है तो हम एडिशन करेंगे. तो यहां पर लिखेंगे एड इक्वेशन 3 into 8a plus 12b equals to 52, 15a minus 12b equals to minus 6. चले भाई ऐड करना है तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, प्लस 12b माइनस 12b कर, 15 प्लस 8 23a, 52 माइनस 6 दैट इज 46, 23 मल्टीप्लिकेशन में ऑपोजिट साइड डिवाइडेशन, 23 2 46, सो a इक्वल्स टू 2. भाई एक पॉइंट कंप्लीट हो गया, एक ही जगह पे 2 आ गया. देखिए मैंने क्या किया, 1 अपॉन x के लिए अज्यूम किया, 1 अपॉन y के लिए b अज्यूम किया, फिर 2 अपॉन x दैट इज 2a, 3 अपॉन y 3b, 5 अपॉन x 5a, 4 अपॉन y 4b, ये एज इट इज. फिर b को इक्वल कर रहे हैं, मेथड ऑफ एलिमिनेशन कर रहे हैं, 4 से पूरे इक्वेशन 1 को और 3 से पूरे इक्वेशन 2 को. अब देखना जिसको इक्वल किया अगर उसकी साइन सेम है तो एडिशन, सॉरी डिफरेंट है तो एडिशन, बट सेम है तो सबट्रैक्शन, पर यहां पे तो डिफरेंट है ना, यानी एडिशन कर देंगे. अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 2 3 4 किसी का भी रखेंगे, 1 में रख देते हैं, 2a plus 3b equals to 30, put a equals to 2, 2 into 2 plus 3b equals to 30, 4 plus 3b equals to 30, plus 4 opposite side minus, 13 minus 4, 9. अब 3 multiplication में opposite side divided, 3 3 is that, so b equals to 3. अब देखिए हमने जो assumption किया है वो 1 upon x equals to a and 1 upon y equals to b.
वन अपन एक्स एज इट इज ए की जगह पे टू, वन अपन वाई एज इट इज बी की जगह पे थ्री। अब इसके अपन में कुछ नहीं तो वन, इसके अपन में कुछ नहीं तो वन। अब रेसिप्रोकल चाहिए क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, एक 1 by x की नहीं, यानी x equals to 1 by 2 and y equals to 1 by 3। इसका रेसिप्रोकल पता चल रहा है, इसके अपन में 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, x अपन 1 या y अपन 1 लिखने की जरूरत नहीं आया समझ में। सो x and y, सो लास्ट में आपको लिख देना है सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन इज 1 by 2 and 1 by 3। ओके, ये एक सम करवाया मैंने, ऐसे दूसरे आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इतने तक परफेक्शन से करना है। ओके, दो दिन में ये खत्म हो जाएगा, फिर हम फर्स्ट एंड 15 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।